कृष्णा जी हाँ जी कृष्णा जी मुझे अच्छा लगा आज योग वालों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। हाँ जी सर। शायद आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं पहले योग बहुत आया करता था। हाँ जी, क्योंकि मेरा एक कार्यक्षेत्र था तो मेरा योग आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मैं हैरान हूँ, योग में तो 25-50 कदम भी सीधी सड़क नहीं है, ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है, उसके बाद भी आपको डायबिटीज कैसे हो गया? पता नहीं सर कैसे हो गया, ये तो मुझे नहीं मालूम। अभी कितना पैसा पहले खर्च होता था, अभी कितना होता है? सर 1,800-1,000 रुपया खर्च होता है सर। और पहले कितना होता था? 5-6 हजार एक महीने में देना पड़ता था सर, और ये दवाइयाँ मुझे खानी भी जीवन भर है सर। कृष्णा जी देखिए, दवाइयाँ तो जरूर खानी पड़ेगी क्योंकि अब बीमारी ऐसी है कि घुस गई है, लेकिन आप भी कुछ योगा वगैरह करते रहिए, जरूर उससे लाभ होगा। डायबिटीज के लिए भी कुछ योगा है, इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज योग के लोगों के मुझे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ बैठे हैं, सबको मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी औरों को इस काम के लिए प्रेरित करती हैं, मोदी की दुकान पर लोगों को भेजती हैं आप, लोगों के पैसे बचेंगे तो अच्छे काम में आएंगे। और सरकार की कोशिश यही है कि दवाई के पीछे जो खर्च होता है, जो गरीब परिवार मध्यम वर्ग के परिवार को उसके कारण बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन आपने ये बात को ठीक से पकड़ा, लोगों को पहुंचाया। मेरी तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और थियोग में तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए जी, मैं थियोग इतना बढ़िया जगह है वहां बीमारी नहीं घुसनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सर कि आप दीर्घ आयु हो, आप भगवानों गरीबों और किसानों के हितैषी है सर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घ आयु हो, हम गरीबों बागवानों किसानों के लिए ऐसे ही कार्य करते रहे। बात आप माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और हिमाचल का तो हर परिवार देवदूत परिवार है, हर परिवार ने देश की रक्षा के लिए बच्चों को दिया है, तो हिमालय तो अपने आप में देवदूत का भूमि है। हाँ जी सर, साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सर। ये भी हमारे गरीब किसान बागवान महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं सर। बाकी यहाँ बैठे जो और भी गणमान्य व्यक्ति है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद कृष्णा जी सर, थैंक यू।